नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना और इन एंड टेस्टी रेसिपीज में आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम बनाने वाले हैं होल स्पेशल पूरन पोली, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और भी टेस्टी रेसिपीज के लिए इन एंड टेस्टी रेसिपीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। सबसे पहले हम पूरन बना लेंगे। पूरन बनाने के लिए एक बाउल ले लेंगे, उसमें एक कप चने की दाल डाल दी हमने। अब इसे अच्छे से रगड़ के वॉश कर लेना है, धो लेना है और वो पानी हम फेंक देंगे। धो लेते हैं दाल को अच्छे से। देखिए हमने दाल को धो लिया है। अब इसमें और 4 से 5 कप हम पानी डाल देंगे और इसे 4 से 5 घंटे तक हमें भिगो के रख देना है। देखिए हमारी दाल भीग गई है। अभी हम इसे कुकर के एक पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसे 5 से 6 सीटी आते तक इसे हमें पकाना है। तब तक अच्छे से दाल गल जाती है। अब हम इसे कुकर में चढ़ा देंगे। देखिए अभी हमारी दाल ये पक गई है, तो अब हम इसे एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए छान लेते हैं। ये छान लिया है, फिर अभी इसमें से पानी निकल गया, तो अब हम इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे और जो भी और भी एक्स्ट्रा का जो पानी बचा हुआ है वो भी निकल जाएगा। और गैस हमें लो पर ही रखना है और धीरे धीरे इसका पानी हमें इवोपरेट करते जाना है। देखिए ये हो गया है, तो अब हम इसमें 3/4 कप मैं इसमें गुड़ डाल दूँगी। आप चाहे तो शक्कर भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करना है और जो एक्स्ट्रा का पानी है वो भी इवोपरेट हो जाना चाहिए। देखिए ये एकदम से गाढ़ा हो जाना चाहिए। और इसमें मैंने इलायची पाउडर और थोड़ा सा नटमेग पाउडर यानी जायफल, इनका पाउडर मैंने डाल दिया है। 3/4 चम्मच हम डाल सकते हैं इसमें। अब हमें एक बाउल ले लेना है, इसके ऊपर हम छन्नी रख लेंगे जिससे हम अपने पूरन का मिक्सर अभी छानेंगे। तो इसमें हमने मिक्सर ले लिया, अभी हम इसे चम्मच की सहायता से हम इसे अभी छान लेंगे तो बारीक पेस्ट हमारा निकल के आएगा पूरन के रूप में। और इसे हमें गरम गरम ही छानना है। देखिए अभी भी भाप निकल रही है और यहाँ से इस तरह से हम छान लेंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और ये देखिए पूरन नीचे आ गया और ये हमारा वेस्टेज निकल गया और ये स्मूथ पूरन हमारा रेडी हो गया है। आप बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनता है। देखिए हमारा पूरन अभी रेडी हो गया है। अब आटा के लिए मैंने 1/2 कप मैदा ले लिया है और 1/2 कप गेहूं का आटा लिया है और थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे उसमें और 1 से 1.5 चम्मच घी डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा और पानी मिक्स करके हमें इसका एक सॉफ्ट डो बना लेना है। ये देखिए बहुत ही मस्त सॉफ्ट डो बना लेना है क्योंकि उसी से फिर पूरी अच्छी सॉफ्ट बनती है और फूलती है। ये देखिए सॉफ्ट डो हमारा बन के रेडी हो गया है। अब ऊपर से हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे इसको और 10 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। देखिए हमारा डो कितना सॉफ्ट हो गया है। हमारा पूरन भी रेडी है और अभी हमारा आटा भी रेडी है। अब हम इससे छोटा सा एक पोर्शन ले लेंगे, छोटा आटे का बॉल ले लेंगे और इससे हम छोटी सी पूरी बेलेंगे। आप हाथ से भी इसे बना सकते हैं, छोटी पूरी बना सकते हैं। एक बात इसमें ध्यान रखनी है क्योंकि कि जो बीच का जो पोर्शन रहेगा वो आपका थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए एज़ कम्पेयर टू आउटर साइड। आउटर साइड में थोड़ा सा पतला बेले और बीच में थोड़ा सा मोटा बेले। ये हमारी पूरी रेडी हो गई है। अब इसमें हम अपनी पूरन की फिलिंग डालेंगे। ये मैंने पूरन ले लिया है। ये देखिए एक पूरन का बॉल ले लेंगे अभी हम। अगर आपका इस तरह से टाइट पूरन नहीं बनता है तो आप क्या करेंगे, 4 से 5 घंटे तक आप इस पूरन को एयर टाइट डब्बे में फ्रिज में रख देंगे तो फिर उससे आपका जो पूरन है वो टाइट हो जाएगा। और इस तरह से देखिए हमने फिलिंग कितनी खूबसूरत की है और इसमें ऐसा इस तरह से ऊपर हम करते रहेंगे, उसकी जो पूरी है वो ऊपर लाते रहेंगे और जो पूरन है वो नीचे ढकेलते जाएंगे। और इस तरह से हमें इसे सील कर देना है। देखिए हम किस तरह से सील कर रहे हैं, तो आपकी
पूरी भी नहीं फटेगी और बहुत ही प्यारी पूरन पोली बनेंगी। ये देखिए इस तरह से हमने सील कर दिया है पूरा अच्छे से, और ये जो ऊपर का पोर्शन रहेगा इसे हमें प्रेस कर देना है नीचे, तो जिससे जिसके कारण वो सील हो जाएगा पूरा। ये देखिए हमारी बहुत ही प्यारा बॉल की पूरी बन गई है। अब हम इसे बेल लेते हैं और अपनी पूरन पोली बना लेते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी पूरन पोली बन गई है अभी हमारी। अब हम इसे तवे पर सेक देंगे। हमें तवे को मीडियम फ्लेम पर रखना है और अपनी रोटी सेकने के लिए रखना है। ये देखिए हमने फ्लिप कर दिया है और इसमें मैं घी लगाने वाली हूँ, और मैं आपको सलाह भी यही दूंगी कि घी लगाएं, क्योंकि बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है घी से। ये देखिए दोनों तरफ से हम घी लगाएंगे रोटी को, और बहुत ही प्यारी खुशबू चल रही है। ये देखिए हमारी रोटी भी सिक के तैयार हो गई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो फिर खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।